खिलाफ जारी कर दिया गया है एक वारंट। क्या आप जानते हैं कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने सू किया है अमीषा को? वेल, क्या है पूरी रिपोर्ट, चलिए जानते हैं। दरअसल ये बात बताई जा रही है 16th of November 2017 की, जब अमीषा को करना था एक वेडिंग में परफॉर्म, जहां वो पहुंची ही नहीं। अब अमीषा के ना पहुंचने का रीजन आपको बता देते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमीषा ने मुरादाबाद की एक इवेंट बेस्ड कंपनी से किया था कॉन्ट्रैक्ट, जहां उन्होंने कंपनी से चार्ज किए थे 11 लाख इन एडवांस। अब अमीषा दिल्ली तक पहुंची अपनी कमिटमेंट को पूरा करने एंड वेडिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने, लेकिन दिल्ली पहुंच अमीषा ने कर दिया इवेंट कंपनी को कॉल और बोला कि दिल्ली टू मुरादाबाद का डिस्टेंस है काफी लॉन्ग, इसीलिए कंपनी उन्हें एडवांस 2 लाख मोर ट्रांसफर करे, जिस पर कंपनी ने कर दिया था रिफ्यूज। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमीषा ने नहीं किया किसी को इन्फॉर्म एंड ले लिया रिटर्न बैक टू मुंबई। अब ऑर्गेनाइजर्स कर रहे हैं क्लेम कि अमीषा ने 2017 से लेकर अब तक नहीं की है उनकी पेमेंट रिटर्न जो उन्होंने ली थी 11 लाख इन एडवांस। इस केस को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी लेकर जा चुकी है मुरादाबाद कोर्ट में, जहां अमीषा के साथ ही अक्यूज्ड पर्सन हैं सुरेश कुमार, राजकुमार गोस्वामी एंड अहमद शरीफ, जिन पर लगाए गए हैं सेक्शंस 120B, 406, 504, 420 एंड 506 IPC, जिन्हें कोर्ट के सामने होना था पेश ऑन 19th of July, बट नहीं पहुंचे ये 4 अक्यूज्ड पर्संस इन द कोर्ट, इसलिए अब कोर्ट ने अमीषा पर चार्ज कर दिया है अरेस्ट वारंट, बट ये वारंट बेलेबल है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमीषा को अब कोर्ट की साइड से नेक्स्ट हियरिंग डेट 22nd of August की दी गई है। अब या तो अमीषा पहुंचेंगी मुरादाबाद कोर्ट या फिर केस को मूव करवा लेंगी फ्रॉम मुरादाबाद टू मुंबई कोर्ट। वैसे तो अभी तक कोर्ट ने स्टोरी भी वन साइडेड ही सुनी है, अमीषा की साइड की स्टोरी जानी नहीं अभी तक कोर्ट ने, जिसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि इस पर सॉल्यूशन क्या निकल पाता है। अगर अमीषा के वर्क फ्रेंड की बात की जाए तो उन्हें जल्द ही गदर 2 दी कथा कंटिन्यूज में एक बार फिर एज सकीना देखा जाएगा विद सनी देओल। टू नो मोर बॉलीवुड न्यूज एंड अपडेट्स, कीप वॉचिंग बूगल बॉलीवुड।